हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री क्लास 12। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी किस काम की, वो डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि और सारे कंपाउंड का तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है अभी, बट एल्कोहल के केस में बात करूं तो आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आए हुए हैं और जेई नीट में तो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी किसी न किसी कंपाउंड की आ ही जाती है। तो इसको छोड़िए मत कि छोटा टॉपिक जान के, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एल्कोहल के केस में एक स्पेशल बन जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, अभी सारी चीजें वन बाय वन एकदम इजी वे में मैं आपको बताऊंगा और आज के लेक्चर से 2-3 क्वेश्चंस लास्ट में बनेंगे, वो आपको करने हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चंस करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। हम बात करें अगर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल की, तो मेनली हमको 2 टॉपिक पे डिस्कशन करना है। एक डिस्कशन करना है, पहला जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है एल्कोहल की और इन दोनों प्रॉपर्टी को अफेक्शन होता है। इन दोनों प्रॉपर्टी में स्पेशल फीचर जो पाया जाता है वो बस एक रीजन से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर कैसे एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है? तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्टली हम एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और ये कितने टाइप की होती है, देन डिस्कस करते हैं कि एल्कोहल में कौन सी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा भी था, नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं है, कि हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट जैसे हमारे NOF का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट? नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यानी कि एक ऐसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में से किसी एक एलिमेंट के साथ बने, व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लाइक एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज डिनोटेड बाई डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हम बात करते हैं किसकी, जिसमें ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन किसमें है, H2O में है। और हम नॉर्मली बोलते भी हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये देखते हैं कैसे, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। वहीं पर बात करें, एक हम सेकंड मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर का, ये हमने ले लिया एक सेकंड मॉलिक्यूल वाटर का। अब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक डॉटेड लाइन आपको दिखी मिलेगी, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच बने बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया, इनके बीच में जो डॉटेड लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम बात करें, इसी तरह ये आगे और भी जुड़ता जाएगा, यहाँ पे एच, यहाँ पे O, यहाँ पे H, इसी तरह से ये बॉन्ड बनता रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और भी एक चीज़ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक इंटर मॉलिक्यूलर, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंटर एटॉमिक नहीं बोला जा रहा है, 2 एटम के बीच में ये बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये पूरा का पूरा 2 मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, हेंस इट इज 2 टाइप, इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो इंटर मॉलिक्यूलर, और जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो इंट्रा, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बने तो इंटर, जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच बने तो इंट्रा। अब चलिए हम बात करते हैं, इस केस में ये एक मॉलिक्यूल, ये दो, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो क्लियर हो गया यार कि वाटर में हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इंटर मॉलिक्यूलर है। अब एक और एग्जाम्पल आपको लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नाइट्रोजन को लेकर, क्योंकि मैंने बताया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ही केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वो भी हाइड्रोजन से जुड़कर। तो आइए देखते हैं, इसके केस में हमने लिया NH3, यहाँ पे लिखा NH, या इसको थोड़ा सा ऐसे हम लिख देना, ठीक है, ये हमारा NH3 हो गया। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और हम लेते हैं NH3 का, ये देखिए NH, अब इसके बीच में डॉटेड लाइन है, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, बट यहाँ पे नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है
और ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सा वाला टाइप है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये तो क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हमको पढ़ना एल्कोहल के रेफरेंस में हमको हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है। तो आइए एल्कोहल के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। एल्कोहल की बात करें तो इसका हम सीधा सिंपलेस्ट एल्कोहल लिखते हैं, ROH। अब ये ROH है और यहाँ पे हम क्या किए, एक दूसरा एल्कोहल लिखे, इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक दूसरा एल्कोहल। ये भी ROH है, ये भी ROH है। हम देख सकते हैं यहाँ पे इसके इसके बीच में एक बॉन्ड बना, व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से ये बनाता रहेगा बॉन्डिंग, और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए किस तरह से यहाँ पे ये ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया और ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये बॉन्ड बना। और मैंने आपको बताया भी था कि हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में बने तो इंटर मॉलिक्यूलर, इट मींस जो हमारा एल्कोहल है वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिस्ट करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सबसे पहली प्रॉपर्टी की, जो कि हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। देखते हैं कि क्या बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है या कम होता है, और ज़्यादा होता है तो क्यों ज़्यादा होता है, ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोग देख लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बात करें अगर अल्कोहल के बराबर मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल की या बराबर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड की, तो वो हमारे आते हैं कौन कौन से। अल्कोहल की बात करें तो ये हमारा हो गया अल्कोहल, और इसी के तरह इसी के लगभग अप्रोक्सीमेट जो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं वो होते हैं एल्केन होते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं ये हेलो एल्केन। अब बात करें अगर इनके मॉलिक्यूलर वेट की, तो शायद इसका 46, इसका 44 और इसका 50 अप्रोक्सीमेट निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा, लगभग इतना इसका क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी होना चाहिए, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी अप्रोक्सीमेट। बट ऐसा देखा गया कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, किसका, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन आप इसके और इसके। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन ये है कि क्यों हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन आप इसके और इसके। अगर इसका -18 है, मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा नहीं है, और इसका -20 है, तो ये जो है माय डियर स्टूडेंट्स ये जो इसका +24, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मेरी बात को समझिए, बहुत बड़ा डिफरेंस शो करता है, जबकि मॉलिक्यूलर वेट सारा अप्रोक्सीमेट है। आखिर इतना बड़ा डिफरेंस अल्कोहल में क्यों आता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर बस एक होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इट हैव हाईली बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेरिजन टू अप्रोक्सीमेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट। जब इनके रिलेटिवली मॉलिक्यूलर वेट वालों का कंपेरिजन कराया गया तो देखा गया हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, अब देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अपने रिलेटिव से ज़्यादा होता है। अब हाइड्रोजन में ही कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, एल्कोहल के केस में ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि एल्कोहल एल्केन और हेलो एल्केन में क्यों एल्कोहल का ज़्यादा होता है, क्योंकि यार एल्कोहल में ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए डिस्कस करते हैं आप फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट को। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे मिल गया, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर ले रहे हैं, फैक्टर। यहाँ पे हमने लिखा फैक्टर, आपको क्वेश्चंस ऐसे मिल गया, कैसे मिल गया क्वेश्चंस में आपको मिल गया कि एक हमारा ये चैन है CH3OH, और आपको एक दूसरा मिल गया क्या CH3CH2OH, और आपको तीसरा मिल गया CH3CH2CH2OH। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इनमें से पूछा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये सारे के सारे अल्कोहल है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे चेन का। तो फैक्टर वन में हम क्या देख सकते हैं, लेंथ ऑफ चेन। फैक्टर वन में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ चेन, यानी कि चेन अगर बहुत बड़ी हो तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये तो हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। हाँ, बट एग्जाम में अगर आपको चार ऑप्शन मिले, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इन द केस ऑफ इस एग्जांपल में हम देखेंगे यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे भी, यहां पे भी। अब ये हमको सोचना है कि कौन सी चेन यहां पे सबसे छोटी है, फिर ये है, फिर ये है। क्या चेन बढ़ने से
बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा ये दिमाग लगाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब चेन बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, जब चेन बढ़ेगी, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, चेन बढ़ेगी तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। डेंसिटी जब बढ़ेगी तो मालिक्यूल नज़दीक आएंगे, और जब मालिक्यूल नज़दीक आएंगे तो उसको बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यार वो मालिक्यूल नज़दीक रहेंगे तो वो टूटेंगे ही नहीं, बंड मालिक्यूल दूर दूर होंगे ही नहीं, बॉयल होंगे ही नहीं। तो मालिक्यूल नज़दीक जितने रहेंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो जितनी बड़ी चेन रहेगी उसका मालिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा होगा, और मालिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो आपको अगर ऐसे तीन ऑप्शन मिल जाएं और पूछ ले कि सेल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे तो बेहिचक आप इसको टिक कर देंगे, क्योंकि लॉन्ग चेन है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल नज़दीक आ गए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये हो गया पहला फैक्टर, लेंथ ऑफ चेन। दूसरा फैक्टर देख लेते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है। जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे उतनी बढ़िया से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे मिल गया कि CH3OH ये एक हो गया, दूसरा दे दिए आपको CH2OH और ये CH2OH, तीसरा क्वेश्चन आपको मिल गया CH2OH CHOH CH2OH। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? है तो तीनों ही अल्कोहल, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डिफरेंस ये है, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे तीन। ऐसे केसेस में हम किसकी बॉइलिंग पॉइंट को हम ज़्यादा बताएंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर हमारा ये हो गया, यानी कि जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस टाइप से भी। ये सारे आपके सिलेबस में भले ना दिया हो बट यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर और ज़रूर आते हैं। अब हम बात करते हैं एक तीसरा केसेस, हमने देखा चेन के बेसिस पे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है कि अगर कार्बन की जो चेन है, हम दूसरा मार्कर उठाते हैं, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि कार्बन की जो चेन है, चेन ऑफ कार्बन, ये हम तीसरा फैक्टर देख रहे हैं, कार्बन चेन स्ट्रेट है, दो टाइप की हो सकती है, स्ट्रेट है कि ब्रांच्ड है, कुल मिला के ये देखना है। अगर सेम कार्बन हो, सेम हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, और एक स्ट्रेट चेन हो और एक ब्रांच्ड चेन हो, तो इस केसेस में क्या होगा? सेम चेन हो, सेम कार्बन हो, सेम हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, एक स्ट्रेट चेन हो और एक ब्रांच्ड चेन हो, तो इस केसेस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, फिर आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपकी चेन स्ट्रेट है, यानी कि स्ट्रेट चेन का मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, CH2OH एक ऐसे हो गया, और ब्रांच का मतलब मान लीजिए कुछ आपको ऐसे मिल गया, यहाँ पे आपको ये ऐसे मिल गया, ठीक है, एक ऐसे मिल गया। मान लीजिए दोनों में कार्बन भी इक्वल है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी इक्वल है, ऐसे केसेस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्वेश्चन ये है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस में जो स्ट्रेट चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जो स्ट्रेट चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि स्ट्रेट चेन है वो तो सीधा है, ठीक है, बट जब हम ये ब्रांच्ड कर देते हैं तो ब्रांच करने पर इसके बीच में एक वंडरवाल फोर्स होता है, वो वीक पड़ जाता है और आसानी से मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न बस इतना याद रखिए यार कि स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ब्रांच चेन का कम। क्लियर? तो ये थ्री फैक्टर हमने पढ़े बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, कि थ्री टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं और कंपटीशन में भी। अब हम इसको करते हैं रफ और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज दी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट। क्या सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी उपस्थिति में क्या फर्क पड़ता है, क्यों ये दूसरों से ज्यादा सॉल्युबल है, सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगर सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी के केस में होगा क्या, क्यों सॉल्युबल होंगे ज़्यादा। अगर बात करें आपसे अल्कोहल की, एल्केन की और हेलो एल्केन की, जिनका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेट सेम हो, बट अल्कोहल क्यों वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब यहाँ से ये है
कि वाटर में क्यों ये सोल्युबल होते हैं। तो जो अल्कोहल होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो हमारे अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल इज़ हाईली सोल्युबल, ये बहुत ही ज़्यादा सोल्युबल होते हैं, हाईली सोल्युबल इन वाटर। क्या रीज़न है कि ये हाईली सोल्युबल है, जबकि इसी के रिलेटिवली जिनके मॉलिक्यूलर वेट हम लिए तो यार देखा गया ये सबसे ज़्यादा सोल्युबल है। क्यों सोल्युबल है? रीज़न इसका ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और जैसे ही ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे सोल्युबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं कैसे अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक अल्कोहल आर ओ, ये हमारा H, ये हमारा हो गया अल्कोहल, और यहाँ पे एक लेते हैं क्या वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम लेते हैं क्या वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का। अब ज़रा देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव पोर्शन ये है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बन गया तो मान लीजिए ये हमने वाटर लिया है तो इसमें ये बहुत ढंग से सोल्युबल हो जाएंगे। तो अब क्यों इसकी सोल्युबिलिटी इसके आसपास वाले जो भी कंपाउंड है उससे बहुत ज़्यादा होती है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल और अल्कोहल के बीच, और इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में ये बन रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्यों हाईली सोल्युबल होता है। अब क्वेश्चन ये तो हो गया, मान लीजिए आपको तीन चार कंपाउंड दे दिया और पूछ लिया कि क्यों ये हाईली सोल्युबल है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। अब इसके फैक्टर की बात करें कि क्या फर्क पड़ता है हाइड्रोकार्बन चेन पर, इसके हम बात करते हैं लेंथ ऑफ कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन की लेंथ छोटी है तो सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, बड़ी है तो। मतलब आपको सीधा सीधा अगर तीन कंपेरेटिव दे दिया गया, ये भी हमारा अल्कोहल है, मेरी बात समझिए, ये भी हमारा अल्कोहल है और ये भी हमारा अल्कोहल है और ये भी हमारा CH2OH, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अब क्वेश्चन ऐसे आ गए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट के केसेस में तो चेन जिसकी ज़्यादा होती थी हम उसको बोल देते थे कि यार जिसकी चेन बड़ी है वो ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। बट इसके केस में थोड़ा सा मामला उल्टा है, यहाँ पे जिसकी जितनी छोटी चेन है वो उतने अच्छे से सोल्युबल होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्या, यानी कि इसका ऑर्डर इस तरह होगा, जस्ट अपोजिट होगा बॉइलिंग पॉइंट के। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान से देखिए, ये जो हमारा OH है ये हमारा क्या है, पोलर है, या इसको कहें ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है। जो OH है ये वाटर लविंग है क्योंकि वाटर के साथ इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं, और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर से डरती है, एक प्रकार से ये समझिए कि वाटर के करीब नहीं जाना चाहती। और जैसे जैसे ये चेन, कुल मिला के सीधा समझिए, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन चेन नॉन पोलर है और ये OH पोलर है। तो जैसे जैसे हम चेन बढ़ाएंगे नॉन पोलर बढ़ेगा, और जब नॉन पोलर करैक्टर बढ़ेगा किसी कंपाउंड का तो उसकी सॉल्युबिलिटी पोलर कंपाउंड में घटेगी। सीधी सी बात है, एक नॉन पोलर कंपाउंड को किसी पोलर कंपाउंड में डालेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन हम बढ़ाएंगे, हाइड्रोकार्बन चेन हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगी, यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन और सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी में कितनी इसकी घुलनशीलता है ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चेन जितनी छोटी होगी सॉल्युबिलिटी उतनी बेहतरीन होगी। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं, छोटी चेन, बड़ी चेन, बहुत बड़ी चेन, और पूछेगा वाटर में सॉल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर है, तो आई थिंक आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे जहाँ पर चेन छोटी है वो ज़्यादा सॉल्युबल है, देन उससे बड़ी, यानी जितनी बड़ी चेन उतनी कम सॉल्युबिलिटी। ये तो हमारा हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर बात करें नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो इसमें कुछ नहीं करना है जैसे हम उसमें थे, क्योंकि जितने OH ग्रुप, ये OH ग्रुप को ही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहते हैं, तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी बढ़िया होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी बढ़िया होगी सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़िया होगी। क्यों? क्योंकि वाटर में ये सॉल्युबल है, वाटर से अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो ये केस आपको एकदम सिंपल है। अब बात करते हैं तीसरे केसेस की, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कि स्ट्रेट और ब्रांच में क्या फ़र्क पड़ेगा। स्ट्रेट चेन
अगर हो और ब्रांच्ड चेन हो तो इसमें किसका ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी। स्ट्रेट चेन की बात करें तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं CH3CH2CH2OH, ये हमारा हो गया स्ट्रेट चेन। वहीं पर इसकी कंपेरिजन करें, ये हमारा हो गया ब्रांच चेन CH3CH3CH3OH, ये हमारा ब्रांच्ड चेन हो गया, ये स्ट्रेट चेन हो गया। दोनों में कार्बन इक्वल हैं, दोनों में हाइड्रोक्सी ग्रुप भी इक्वल हैं, ऐसे केसेस में किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन का ज़्यादा होता था। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ये एक प्रकार से स्फेरिकल बना लेते थे, स्फेयर बनाने के कारण इनके बीच में एक वंडरवाल वीक फोर्स काम करता था और ये आसानी से अलग हो जाते थे एक दूसरे से, और जिसके कारण बॉयल आसानी से हो जाते थे, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट पे ही ये बॉयल होने लगते थे। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, इसका ज़्यादा। बट अगर अब बात करें, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जो जितना अच्छे से घुल जाए एक दूसरे में, तो ये जो ब्रांचड वाला होता है ये आसानी से डिस्पर्स हो जाता है वाटर में, ये आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। तो इसके केस में जस्ट अपोजिट होगा बॉइलिंग पॉइंट के, यानी कि अगर आपको ब्रांचड मिला है और स्ट्रेट मिला है तो ब्रांचड वाला जल्दी घुलेगा इन कंपेरिजन टू स्ट्रेट। ये थोड़ा सा अपोजिट केस है बॉइलिंग पॉइंट का। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि चार कंपाउंड दिए हैं और एक कंपाउंड केवल ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उसी की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, उसी की बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं, अगर सारे के सारे अल्कोहल हैं तो जिसकी चेन जितनी छोटी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा, जिसकी चेन जितनी बड़ी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी बड़ी। क्लियर? अब बात करें अगर स्ट्रेट चेन हो और ब्रांच, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो स्ट्रेट का ज्यादा होगा, अगर सॉल्युबिलिटी है तो ब्रांच की ज्यादा होगी। आई थिंक आपको अब सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और एक केस दोनों के लिए कॉमन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चंस ऑफ द डे, तो आई थिंक आप कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चंस यहां पे दे दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर दीजिएगा। आपको क्वेश्चंस मिल जा रहा है CH3CH2OH, एक ये क्वेश्चंस है, दूसरा है हमारा CH3C डबल बॉन्ड OOH, और तीसरा है हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH। इन तीनों में किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वाटर में, इन तीनों में किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वाटर में, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि हाँ सर, हमको वीडियो क्लियर समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।